गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज मैं काफी जल्दी उठ चुका हूँ, अभी बज रहे हैं 9:30। 10 बजे हम लोग को जाना है रहने का फर्स्ट वैक्सीनेशन लगवाने, तो जल्दी से रेडी होते हैं और रहने को लेके निकलते हैं हॉस्पिटल। तो अब बज रहे हैं 10:15, हम लोग निकल चुके हैं हॉस्पिटल के लिए। मैं बस अब जाके दिखाता हूँ डायरेक्ट हॉस्पिटल में। तो मम्मी और रहने को यहाँ छोड़ के अब मैं जाता हूँ, कार रख के आता हूँ, फिर मम्मी को डायरेक्ट वैक्सीनेशन वाले एरिया में मिलूंगा। सीरियस पेशेंट आया लगता है। हम लोग जा रहे हैं वैक्सीनेशन रूम। अच्छा, तो रहने को इंजेक्शन लग गया, 2 मिनट रोई बस लगने के बाद। और जैसे इसका कपड़ा बंद कर दो ना, ऐसे जो उड़ के आई है तुरंत रोना बंद हो जाती है और खोलते ही रोना चालू कर देती है। इसका ऑन एंड ऑफ स्विच है वो। तो अब हम लोग फिलहाल जा रहे हैं मम्मी के वार्ड NICU। क्या होगा मम्मी? ब्लड लेंगे। अब रोएगी फिर। फाइनली हम लोग आ चुके हैं घर। काफ़ी हैवी हो गया सामान, नारियल वगैरह सब लेके आए, और बेबी का सारा काम भी हो गया। जो भी उसको वैक्सीन लगना था, थायराइड टेस्ट होना था, सब हो गया। आजकल सभी बेबीज का होता है थायराइड टेस्ट, उसके लिए भी ब्लड व्लड लिए सब छोड़ के आए हम लोग। और बेबी का ब्लड ग्रुप है बी पॉजिटिव। भाई तो खाना पीना हो गया है, अभी मैं बैठ के वही गाने पे वर्क कर रहा हूँ जो मेरा और यापिश भैया का आने वाला है। और इसके बाद आज से मैं जाने वाला हूँ जिम, मतलब रॉनी भाई के साथ। रॉनी भाई को मैंने बोल दिया है कि रोज भाई मेरे को कैसे भी बुला लेना, क्योंकि मेरा मन नहीं मानता है, मतलब भूल जाता हूँ या मन चेंज हो जाता है। तो आज फिलहाल मुहूर्त निकाला हूँ मैं कि आज जिम जाऊँगा। तो 7:30 बजे जिम जाना है, तो इससे पहले ये सब काम कर लेता हूँ, फिर मिलते हैं जिम पे। 2 hours later. तो गाइस गाने का काम करते करते बज चुका है 5, अब PC बंद गया, बंद कर दिया हूँ। अब मम्मी बुला रही कुछ काम से, तो देखता हूँ क्या काम है। शायद किचन का सामान अरेंज करने के लिए बुला रही होगी, तो जाते हैं करते हैं वही सब। मैं चैन से घर में रहता हूँ तो अच्छा नहीं लगता क्या मम्मी? काम दे दे तो कुछ ना कुछ। गाइस तो मेरे को एक और काम मिल गया, सारे पन्नी हटा रहा हूँ मैं बैठ के अभी। यस One eternity later. Finally time हो गया और मैं जा रहा हूँ जिम बड़े दिनों के बाद। तो बाइक निकाला जाए, क्योंकि बाइक में जाने में अच्छा लगता है जिम। आज रॉनी भाई से मिलाता हूँ आप लोग को। रॉनी भाई अब मेरा नया जिम पार्टनर होने वाला है बस एक दिन में। तो फाइनली भाई जिम आ चुके हैं, और ये दूसरा जिम है। पहले वाला का बहुत ज़्यादा पैसा कौड़ी था अपने पास नहीं है अभी, तो अपन सस्ते जिम आ रहे हैं अब। तो ये अपने जिम पार्टनर रॉनी भाई, कल से व्लॉग में दिखे। रॉनी भाई फुल ट्रेनर बने हुए हैं, ड्रॉप सेट करवा रहे हैं ये भाई को और मेरे को।
much, much, much later. भाई इसको बोलते हैं डेडिकेशन, पूरा जिम खत्म हो गया ऑलमोस्ट, हम लोग सबसे लास्ट में निकल रहे हैं, नीचे भी पूरा खाली है भाई, शटर गिरने वाला है, बस अब निकल रहे हैं। रोनी भाई तो फुल हाथ फाड़ के रख दिया आज मेरे, टाइट हो चुके हैं हाथ, ऐसे में तो एक महीने में ही पतला हो जाऊंगा मैं। तो जिम से आ गया हूँ घर, सबसे पहले जाता हूँ अपने गंदे बंडाना वगैरह उतार के फेंकता हूँ और प्रोटीन शेक बनाता हूँ, पीता हूँ, फिर नहाने जाता हूँ। A few inches later, guys, तो मैं नहा धो के आ चुका हूँ। तो अब जा रहा हूँ शीरो को बाहर घुमाने और साथ ही में व्लॉग भी एडिट कर लूंगा। क्या हो गया शीरो, इतना क्यों भौंक रही है पागल, चल पूरे प्रेयर भर भौंक रही थी। तो शीरो को घुमा के आ चुका हूँ और अब बस सोने जाएंगे, मम्मी लोग बैठ के पता नहीं कुछ कुछ बात कर रहे हैं। और ये देखो आप कितना सुंदर दिख रहा है पूरा, आधा ये नीचे का निकाल दिया ना, अब ये भी जब बन जाएगा पूरा तब इसका भी निकाल देंगे, तो बहुत ही अच्छा दिखेगा किचन। ये हम लोग थोड़ा ये गड़बड़ हो गया, पहले ना वाटर फिल्टर अंदर जाने वाला था कैबिनेट के, लेकिन मेरे को लगा कैबिनेट का जगह वेस्ट हो जाएगा, तो इसलिए मैंने इसको बाहर लगा दिया। तो बाहर एक और ऐसा कैबिनेट सब बनाना पड़ेगा यहाँ पे, और यहाँ पे बर्तन धुल रहे हैं। और इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करता हूँ, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन क्लिक कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, गुड नाइट।